पेश है हिंदी जबान में अपडेट। जातीय पक्षपात के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, परंतु इस समय भारत में जातिवादी हिंदुत्व व्यवस्था शासन कर रही है। मोदी के शासन में भारत अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के प्रति जातीय सर्वोच्चता तथा घृणा का उपदेश दे रहा है। आरएसएस समर्थित जातिवादी मोदी शासन संपूर्ण भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भयभीत करने के लिए आतंक को एक नीति के रूप में प्रयोग कर रहा है। हिंदू जातिवादी व्यवस्था विशेष रूप से जातीय पक्षपात का प्राचीनतम रूप है। जाति पर आधारित पक्षपात भारत में गहन रूप में व्याप्त है। आज के आधुनिक जगत में भी भारत में जाति व्यवस्था विद्यमान है। लाखों भारतीयों के साथ क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार जाति व्यवस्था के आधारों पर न्याय संगत ठहराया जाता है। भारत में उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा निम्न जाति के लोगों का निरंतर शोषण किया जा रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों ने उद्घाटन किया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों तथा सिखों का जीवन बहुत अधिक भीषण तथा भयंकर किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के नेतृत्व में अतिवादी हिंदू खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के रक्तपात की अपीलें कर रहे हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में धार्मिक अल्पसंख्यकों के दमन से लेकर हत्याओं के कारण मोदी के शासन में भारत जातिवाद का देश हो गया है।